भोजपुर से एक ऐसे मंदिर के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं जो कि पूरे बिहार में इकलौता ऐसा मंदिर है। पूरे बिहार में दक्षिण प्रांत के हिसाब से और उसके सजावट से बनाया गया मंदिर ये पहला मंदिर है। आरा के गुणी गांव में मौजूद है। गुणी गांव आरा से करीब तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण 1840 में बाबू विष्णुदेव नारायण सिंह के द्वारा कराया गया था। कहा जाता है कि बाबू विष्णुदेव नारायण सिंह इस गांव के जमींदार थे और उनकी संतान उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद वो देशाटन यात्रा पर थे। उसी दौरान उस समय के मद्रास में एक संत के द्वारा बताया गया था कि आप दक्षिण प्रांत के हिसाब से अपने गांव में मंदिर का निर्माण कराइए, जिसके बाद आपको संतान की प्राप्ति होगी। और जैसे ही इस मंदिर के निर्माण कार्य में काम लगा, वैसे ही उनको संतान की प्राप्ति हो गई है। तब से यहाँ के भगवान की काफी पूजा की जाती है। यहाँ पर एक और कहानी है कि कई बार इस मंदिर में जो बेशकीमती मूर्तियां होती थी, जो कि पूरे बिहार में यहीं पर मिलती थी, अष्टधातु की मूर्ति, उसको भी कई बार चोरों के द्वारा चोरी किया गया, लेकिन बार बार वो मूर्ति भी बरामद होती गई। इस मंदिर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? इस मंदिर के बारे में तो ये अद्भुत है, ऐसा मंदिर बिहार में कहीं नहीं है। ऐसा मंदिर आपको दक्षिण भारत में देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद ये गुंडी ग्राम में। ये बहुत पुराना मंदिर है, थोड़ा सा श्रद्धालु लोगों का कमी है, यहाँ देख रेख गांव का नहीं है। जिस दिन वो हो जाएगा तो ये स्वयं तीर्थ स्थल है, ये जो गुंडी ग्राम है। और कौन कौन भगवान का यहाँ पर? रंगनाथ भगवान, वेंकटेश भगवान, गोदा अम्बा, ये दक्षिण भारत में ही ऐसा मंदिर और मूर्ति, सारी अष्टधातु की मूर्ति है। रंगनाथ भगवान, राम जी, लक्ष्मण जी, ये सारे देवता लोग का यहाँ पर पूजा होता है। कहा जाता है कि यहाँ पर पूजा होने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हाँ, ऐसा तो है ही है, भगवान के जो शरण में रह के श्रद्धा से जो भी कुछ मांगता है उसको मिलता है, ये तो सत्य बात है। आपका क्या कहना है इस मंदिर के बारे में, क्या जानते हैं आप, कितना पुराना ये मंदिर है और ऐसा मंदिर आसपास है कि नहीं? ये तो मंदिर बहुत पुराना है, हमारे जन्म से बहुत पहले का ये मंदिर है और इधर हम कहीं ऐसा मंदिर नहीं देखे हैं। तो ऐसा मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ पर तीर्थ स्थान नहीं बनाया गया है, लोग नहीं आते हैं ज्यादा, क्यों, ऐसा क्या कारण है? अब लोग का अंदर का बात वो तो अपने बताएंगे। जिला प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाता है? नहीं नहीं, ये सब नहीं। जैसे बकोरापुर काली मंदिर का प्रचार ना, कहाँ प्रचार होता है, इसका प्रचार नहीं होता है। वही आपके जैसा न्यूज वाले कोई आए तो प्रचार कर दिए। जिला प्रशासन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बकोरापुर मंदिर तो मान लीजिए कि हर एक गाँव में काली माता होती है, सब लोग अपने अपने गाँव में पूजा करते हैं, लेकिन ये काली माता का मंदिर नहीं है, ये वेंकटेश भगवान का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, लक्ष्मण जी का मंदिर है। यहाँ मूर्तियों अष्ट धातु मतलब बहुत बहुत चीज यहाँ देखने का मिलेगा जो अलग है बाकी जगहों से, बाकी जगहों से अलग है। तो सरकार को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये तो बढ़ाना चाहिए। क्या नाम है आपका? तो आपने सुना कि ये यहाँ पर जो ये मंदिर है वो भी काफी अलग है बाकी जगहों के मंदिर से, और यहाँ पर जो भगवान की पूजा होती है वो भगवान भी, जो दक्षिण में भगवानों की पूजा की जाती है, वेंकटेश भगवान और रामानुजन भगवान, और उनकी जो मूर्तियां हैं वो भी काफी अलग है। वो मूर्तियां जो पत्थर अष्टधातु की बनाई गई है वो भी बहुत जल्द ज्यादा यहाँ पर लोगों मंदिरों में नहीं देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी यहाँ की उदासीनता है कि जिला प्रशासन या सरकार के द्वारा इस मंदिर को तीर्थ स्थल नहीं बनाया जाता है, लोग यहाँ श्रद्धालु कम आते हैं, इस मंदिर का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि इसका बनावटी कितना सुंदर और अद्भुत 1840 में कारीगरी के माध्यम से किया गया है, और उसके बावजूद भी इस मंदिर को अब तक यहाँ के बाहर के लोग नहीं आते हैं और बाहर के लोग नहीं जानते हैं। काफी बेशकीमती तरीके से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है और माना जाता है कि एक ही पत्थर से इस पूरे मंदिर का निर्माण कलाकृतियां की गई हैं। इस मंदिर में जो कारीगर होते थे वो भी दक्षिण प्रांत के ही सारे कारीगर आए थे और कई सालों तक कार्य करते हुए इस मंदिर का निर्माण वो किए हैं। इस मंदिर का अब फिर से थोड़ा बहुत कायाकल्प भी हो रहा है। भोजपुर जिला अधिकारी राजकुमार के आदेश पर इस मंदिर में थोड़ा बहुत कायाकल्प हो रहा है, और जो महावीर मंदिर के आचार्य हैं कुणाल किशोर,
उनका भी सहयोग है, उनके वजह से यहाँ पर टाइल्स और अन्य थोड़े बहुत सौंदर्यकरण के कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि जिस तरीके से यह इकलौता मंदिर है पूरे बिहार में, उसके हिसाब से जिला प्रशासन को पर्यटन स्थल घोषित करना चाहिए और बिहार सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ पर श्रद्धालु आ सके और गाँव का, मंदिर के साथ साथ गाँव का भी विकास हो सके। न्यूज 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।